प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर में अंतिम संस्कार हुआ। पीएम मोदी और उनके भाइयों ने चिता को मुख अग्नि दी। गौरतलब है कि 100 वर्षीय हीराबेन को बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शुक्रवार को उनका निधन हो गया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस वंशवाद में विश्वास करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनता है। सलमान खुर्शीद के अनुसार कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास ही होगी। 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद का प्लेन, जेट या हेलीकॉप्टर नहीं है। इससे पहले राज्य सरकार जिन प्लेन या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती थी वो लीज पर थे। भाजपा सरकार को इस पर आपत्ति क्यों है? एप्पल कंपनी के अधिकारी आज वालव्यू थाने आए और तुनिशा शर्मा का फोन अनलॉक कर मोबाइल वालव्यू थाने को सौंप दिया। पुलिस को तुनिशा के मोबाइल से शीजान की माँ और बहन के साथ चैट और कॉल मिली है। बयान दर्ज करने के लिए पुलिस शीजान परिवार को पुलिस स्टेशन बुलाएगी। पाल ठाकरे की जयंती पर महाराष्ट्र विधान भवन के सेंट्रल हॉल में लगाई जाएगी उनकी तस्वीर। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बताया है कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती 23 जनवरी पर महाराष्ट्र विधान भवन के केंद्र हॉल में उनकी तस्वीर लगाई जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की रिहाई के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे ताकि भविष्य में किसी को ऐसी स्थितियों से ना गुजरना पड़े। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 15 इलेक्ट्रिक रिक्शा में अज्ञात कारणों से लगी आग। गुजरात के नर्मदा जिले में गुरुवार सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास केवड़िया कॉलोनी की पार्किंग में खड़ी करीब 15 इलेक्ट्रिक रिक्शा में अज्ञात कारणों से आग लग गई। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 3 बजे एक ई रिक्शा में आग लगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुब्रत साहा का कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ निधन। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुब्रत साहा का गुरुवार को कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि छाती में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें गुरुवार को सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने दूसरे को नीची जाति का बताया, एससी आयोग ने चैनल को भेजा नोटिस। बिग बॉस 16 के एक एपिसोड में शो के कंटेस्टेंट विकास मनकतला ने अर्चना गौतम को नीची जाति के लोग कहा, जिसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुंबई पुलिस कमिश्नर, वाईकॉम, 18 मीडिया व अन्य को नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र सरकार अहमदनगर का नाम बदलकर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर करना चाहती है और इसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगा है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान ये बात कही है।